मजदूरों की सामाजिक और माशी कामयाबियों की याद में 1 मई को पाकिस्तान में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये एक अवामी और कौमी तातील है। मजदूरों के दिन पर बहुत से मुनज्जम सड़कों पर मुजाहरे होते हैं, जहां मजदूर और मजदूर यूनियन मजदूर जबर के खिलाफ एहतजाज करती है और मजीद हकूक, बेहतर उजरत और मराद का मुतालबा करती है। मजदूरों का आलमी दिन, जिसे बाज ममालिक में यौम मजदूर के नाम से भी जाना जाता है और अक्सर इसे यौम मई के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन मजदूरों और मेहनत कश तबके का जश्न का दिन है, जिसे बैनुल अक्वामी मजदूर तहरीक ने फरोग दिया है। यौम मई का आगाज 1886 में मेहनत कशों की तरफ से 8 घंटे के औकात कार के मुतालबे से हुआ। ट्रेड यूनियंस और मजदूर तंजीमें और दीगर सोशलिस्ट इदारे कारखानों में हर दिन 8 घंटे काम का मुतालबा किया। इस दिन अमेरिका के मेहनत कशों ने मुकम्मल हड़ताल की। 3 मई को इस सिलसिले में शिकागो में मुनक्किद मजदूरों के एहतजाजी जलसे पर हमला हुआ, जिसमें 4 मजदूर हलाक हुए। इस बरबरियत के खिलाफ मेहनत कश एहतजाजी मुजाहरे के लिए स्क्वायर मार्केट हे में जमा हुए। पुलिस ने मुजाहरा रोकने के लिए मेहनत कशों पर तशद्दुद किया। इसी दौरान बम धमाके में एक पुलिस अफसर हलाक हुआ, तो पुलिस ने मुजाहरीन पर गोलियों की बौछाड़ कर दी, जिसके नतीजे में बेशुमार मजदूर हलाक हुए और दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए। इस मौके पर सरमायादारों ने मजदूर रहनुमाओं को गिरफ्तार करके फांसियां दी, हालांकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि वो इस वाकये में मुलव्विस हैं। इन्होंने मजदूर तहरीक के लिए जान देकर सरमायादाराना निजाम का इंसाफ और बरबरियत वाजिया कर दी। इन हलाक होने वाले रहनुमाओं ने कहा, तुम हमें जिस्मानी तौर पर हमें खत्म तो कर सकते हो, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबा सकते। इस जद्दोजहद के नतीजे में दुनिया भर में मेहनत कशों ने 8 घंटे के औकात कार हासिल किए और आज इसी कुर्बानी की बदौलत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है।